खबर करहल से है, जहां माध्यमिक विद्यालय करहल के प्रधानाध्यापक केदार लाल शाके के सेवानिवृत्त होने पर विद्यालय परिवार द्वारा विधायी सम्मेलन रखा गया, जहां सभी शिक्षकों द्वारा शाके को सम्मान स्वरूप माला पहनाई गई और उपहार भेंट किए गए और कहा गया कि एक इंसान शासकीय सेवा से तो रिटायर हो जाता है मगर सामाजिक सेवाएं हमेशा साथ बनी रहती है। सभी ने विधायी समारोह के अवसर पर केदार शाके के जीवन की तमाम सारी यादगार बातें और इनके अनुशासनात्मक जीवन के बारे में सभी को बताया। उन्हें अपने सफलतम सेवाकाल की बधाई प्रेषित की। वहीं शाके ने भी बताया कि वे करहल में लगभग 35 वर्षों से शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। यहां के लोगों से भी उन्हें भरपूर सम्मान और साथ प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपने समस्त विद्यालय परिवार के साथियों से इस सम्मान समारोह के आयोजन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद किया। समारोह उपरांत सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। आपकी विदाई है आज, कौन कहता है आपकी विदाई है आज, ना जाने किसने ये खबर फैलाई है आज, ना जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। आपको धक्का देने वाली जिम्मेदारियां थी जो, उन जिम्मेदारियों से आपकी जुदाई है आज। आपको धक्का देने वाली जिम्मेदारियां थी जो, उन जिम्मेदारियों से आपकी जुदाई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, वो जिम्मेवारी सुबह उठने की, जल्दी नहाने की, जल्दी स्कूल आने की, मीटिंग में जाने की, सुनाने की, आने जाने की, किसी से कहने की, किसी को मनाने की, दफ्तर के कामों की, देर घर जाने की, काम पर भी छुट्टी ना मिल पाने की, कभी छुट्टी वाले दिन भी कार्यालय आ जाने की, वो हर किसी की मुताबिक चलने की, ऑडिट के बेतुके सवालों के बेतुके जवाबों में फंस जाने की, निकम्मों से काम लेने की, ये सभी चिंताएँ विदाई लेंगे आज, ये सभी चिंताएँ विदाई लेंगे आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, साथ हमेशा के लिए आज से छोड़ देंगी आज, साथ आज से हमेशा के लिए छोड़ देंगी आज, इनसे छुटकारा पाने की घड़ी आज की विदाई है आज, ना जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। वो चिंता तबादले